आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट करेला भरवा की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे चावल पराठा पूरी के साथ भी खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए हम 400 ग्राम करेला लिए हैं, इसे अच्छी तरह से धो लिए हैं, इसका ऊपर का कट कर लेते हैं, इसी तरह सारा कर लेते हैं और इसे बीच से कट करके और चेक कर लेते हैं। इसे उबालने के लिए गर्म पानी करते हैं। पानी गर्म हो गया है, इसमें थोड़ा हल्दी, थोड़ा नमक, करेला डाल के ढक के इसे उबलने के लिए छोड़ देते हैं। इस तरह उबालने से क्या होता है, कड़वापन निकल जाता है। मसाला में जीरा और गोलकी को थोड़ा सेक देते हैं। इसे मसाला में सरसों, जीरा, गोलकी, लहसुन और हरा मिर्च चार लिए हैं। कढ़ाई गर्म हो गया है, 3 चम्मच तेल डालते हैं। तेल गर्म हो गया है तो सरसों डाल देते हैं। सरसों चटकने लगा, 2 बड़ा साइज का बारीक काट के प्याज डाले हैं। तो नमक डाल देते हैं, इससे प्याज गल जाता है। फिर ढक देते हैं। करेला ठंडा हो गया, इसका बीज हम निकाल लेते हैं, सारा चम्मच की मदद से आराम से निकल जाता है। इसी तरह सारा का निकाल लेते हैं। प्याज गल गया है, अब इसमें सारा मसाला डाल देते हैं। डेढ़ चम्मच हल्दी डाले हैं। जो करेला से बीज निकाले थे इसे कुछ के डाल देते हैं। धनिया, थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाले हैं और स्वाद अनुसार नमक। तो मसाला को अच्छी तरह से भून देते हैं। मसाला तैयार हो गया है, अब हम करेला में इसे भर देते हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। आप जब भी ट्राई कीजिएगा तो बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिएगा।